For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. 2019 के दिवाली में एक ऐसी फिल्म आ रही है जो कि 3D, 4D, IMAX सब में रिलीज होगी और वो एक हिंदी फिल्म है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज और स्वागत करता हूं आप लोगों के चैनल में। चलिए मैं बात जिस फिल्म की कर रहा हूं वो फिल्म है घर भरा चार यानी कि हाउसफुल 4। दोस्तों इसका मुहूर्त शॉट हो चुका है और इस बात की ऑफिशियल जानकारी दी है हमें अक्षय कुमार साहब ने। अक्षय कुमार साहब दाढ़ी में एकदम थोड़ा सा ओल्ड दाढ़ी वाला लुक है उनका, बियर्ड लुक है, और उनके जस्ट बीच में दोस्तों खड़े हैं उनके और रितेश देशमुख इधर हैं, और उनके बीच में खड़े हैं हमारे सिकंदर के खास मित्र यानी कि यश यानी कि बॉबी देओल साहब। आपको बता दूं रेस 3 से बॉबी देओल का करियर बहुत आगे जा चुका है और बॉबी देओल बैक टू बैक फिल्म्स में आ रहे हैं जहां हम उन्हें यमला पगला दीवाना फिर से में देखेंगे, फिर हाउसफुल 4 में, और बहुत सारी उनकी फिल्म लाइनअप है। ठीक है, इस बात की ऑफिशियल जानकारी कि हाउसफुल का मुहूर्त शूट शुरू हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस फोटो में जहां पर खिलाड़ी कुमार और रितेश देशमुख के बीच में जो बॉबी देओल खड़े हैं उनके जो क्लैप बोर्ड है उसमें लिखा है मुहूर्त शॉट हाउसफुल 4। हाउसफुल 4 दोस्तों इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये एक री इनकार्नेशन पे फिल्म बनेगी। खैर मूविंग ऑन, बात करें अगर इसके डायरेक्शन पोर्शन की तो साजिद खान फिर से वापस आए हैं हाउसफुल 1, हाउसफुल 2 और हाउसफुल अब 4। फिल्म जो है दोस्तों इसमें कृति सैनन भी हैं, कृति खरबंदा का नाम सामने आ रहा है लेकिन अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। वेल अच्छी बात है कि हाउसफुल 4 का मुहूर्त शॉट जो है वो आ चुका है, मतलब दे दिया है उन्होंने और शूटिंग चालू आ है यानी कि शूटिंग शुरू हो चुकी है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि फिल्म किस तरीके से आगे बनती है, क्या साजिद खान इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ जो है फिल्म को लेकर प्रॉपर तरीके से जस्टिस कर पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, आपको क्या है कहना? अगर आप ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहते हैं हाउसफुल की कास्ट को तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बोल सकते हैं। और इसी तरीके की हाउसफुल वाली बातों के लिए मैं हूं ना यार राहुल भोज आपका, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ कमेंट कर लो बस, कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो।